हे गेमर्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एल्डर गेमिंग में। तो चलिए गेम खेलते हैं। ओके गाइस, तो आ चुका हूँ मैं यूटोपिया ओरिजिन के एक और नए और बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो के साथ में। और भाई साहब, मैंने कपड़े तो कैसे पहन के रखे हैं यार, कार्टून लग रहा हूँ मैं पूरा। ओके तो क्या बोलते हैं, इधर मैंने एक ये डिस्प्ले केस लगाया है भाई, और इस पर मैं अपने माउंट वगैरह को इस तरीके से शो केस क्या बोलते हैं इस तरीके से शो करता हूँ। भाई साहब क्या मस्त लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम अपने माउंट्स को यहाँ पर शो कर सकते हैं कि हमारे पास में भाई ये चीज़ें हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हमें टेम करना है एक पैरट, ठीक है। तो पैरट मेरे को आज की वीडियो में टेम करना है, ठीक है। तो पैरट के लिए मैंने वैसे सारी तैयारियां भाई साहब पहले से रेडी रखी, ठीक है। और यहाँ पे मैं ही खुद ही मरा था भाई। तो क्या बोलते हैं, फाइनली हमारे पास में अब फ्लाइंग माउंट आ जाएगा, ठीक है, एक जिससे कि हम भाई साहब आसमान में उड़ पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो हम ज़मीन पर ही इधर उधर चलते फिरते और दौड़ते रहते हैं, लेकिन हमें चाहिए भाई साहब आसमान में उड़ने के लिए एक पंछी। तो मैं एक टेम करने वाला हूँ, क्या बोलते हैं पैरट, ठीक है। तो पैरट के लिए गाइस क्या बोलते हैं, एक मिनट मैं पहले थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देता हूँ। पैरट को टेम करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक मिनट, हे गाइस, तो क्या बोलते हैं पैरट को टेम करने के लिए वैसे क्या बोलते हैं हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें पहले मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमें सबसे पहले फ़िशिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और फ़िशिंग में अगर हम ये किंग एर्थवर्म को यूज़ करते हैं तो हमें क्या बोलते हैं ये क्राउ फिश मिलती है, ठीक है। और वैसे नॉर्मली हम कोई भी वर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं ज़्यादा मिलते हैं एर्थवर्म्स, ठीक है। तो हमें क्या बोलते हैं ये क्राउ फिश इससे मिलती है, ठीक है। तो ये क्राउ फिश हमारे काफ़ी काम आती है, ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं ये क्राउ फिश से हम यहाँ पे कुकिंग पॉट में क्राउ फिश का बेट बना सकते हैं, ठीक है। तो क्विक में मैं दिखा देता हूँ, इधर या ओके इधर बेट है। तो ये क्राउ फिश और ये वीड का फीड, ठीक है, ये दो चीज़ें मिला के हमें ये क्राउ फिश बेट मिल जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें मिला के हमें ये क्राउ फिश का बेट मिलता है, ठीक है। तो ये क्राउ फिश का बेट से हम क्या बोलते हैं फिर हमें इस क्राउ फिश बेल्ट से फिशिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो फिशिंग का जो लोकेशन है वो गाइस ये मैं दिखा देता हूँ, ये है, ये मेरा ये बेड है, एक ये और एक दूसरा बेड है, दोनों ही अनस्टेबल बेड जहाँ पे लगे हैं, इन दोनों के बीच में हम कहीं पे भी फिशिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये दोनों ही चीज़ें मिल जाती है, ये पूरे के पूरे जगह पर हम क्या बोलते हैं क्राउ फिश भी मिल जाएंगी। और दूसरी जो चीज़ चाहिए हमें पैरेट को टेम करने के लिए वो चीज़ भी इधर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमको चाहिए ये, ठीक है, ये एम्बलॉन्स है, ठीक है। तो एम्बलॉन हमें चाहिए पैरेट का फी क्या बोलते हैं टेम करने के लिए, ठीक है। तो पैरेट का फीड बनाने के लिए हमें ये एम्बलॉन चाहिए रहता है। एम्बलॉन कलेक्ट करना भाई साहब बहुत ज़्यादा हार्ड है। पहले तो 800-900 नहीं 1000-1200 नॉर्मल वार्म से हमें फ़िशिंग करनी पड़ती है, उसके बाद में हमें ये क्राउ फिश मिलती है, और फिर ये क्राउ फिश से भी हमें दुनिया भर की फ़िशिंग करनी पड़ती है, उसके बाद में कहीं जाके ये एम्बलॉन इतने मिलते हैं भाई साहब, ठीक है। तो इसके लिए हमें रेड चिल्ली का फीड और वीड फीड और एम्बलॉन मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो हमें मिल जाता है क्या बोलते हैं मोल्टेड पैरेट फीड, ठीक है। तो ये है पैरेट का फीड। तो क्या बोलते हैं एक मिनट, मैं इधर से पहले सारे के सारे यार पैरेट के फीड वगैरह बना लेता हूँ, ठीक है ना। ओके गाइस, तो फाइनली हमारे पास में आ चुके हैं 45 मोटेल्ड पैरेट फीड, ठीक है। क्या बोलते हैं हमें पैरेट को टेम करने के लिए टोटल हमें क्या बोलते हैं 45 पैरेट के फीड लगते हैं, ठीक है।
45 से कम भी लग सकते हैं और ज़्यादा भी लग सकते हैं भाई साहब, कोई बात नहीं। फ़िलहाल तो अभी मेरे को पैरेट कोई भी मिलने वाला नहीं है। फ़िलहाल मेरे को क्या बोलते हैं, जाना पड़ेगा अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ पैरेट स्पॉन होते हैं, वहाँ वहाँ पे मेरे को जाके अपने स्लीपिंग बैग वगैरह लगाने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी के अभी हमें पैरेट मिल जाए ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि पैरेट काफ़ी ज़्यादा रेयर है ये गेम में, ठीक है? रेयर तो नहीं है लेकिन क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं जो कि पैरेट को टेम करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, तो पैरेट हमें आसानी से मिलने वाला नहीं है, ठीक है? तो पूरे के पूरे मैप में गाइस बहुत सारी ऐसी अलग अलग जगहों पे लोकेशंस है जहाँ पे पैरेट स्पॉन होते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेड वगैरह बना लेता हूँ, स्लीपिंग बैग, ठीक है? और मैं अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ पैरेट स्पॉन होते हैं वहाँ वहाँ पे मैं अपने बेड पुट कर दूंगा, और उसके बाद में मैं इजीली डायरेक्टली उस जगह पे क्या बोलते हैं स्पॉन हो सकता हूँ, टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, ठीक है? मर के, ठीक है? अच्छे तो मर के मैं सीधा उस जगह पे जा सकता हूँ। तो मेरे को थोड़ी बहुत लोकेशन पता है, तो उन लोकेशन पे मैं जाके अपने ये स्लीपिंग बेड लगा देता हूँ, ठीक है ना? तो उसके बाद क्या बोलते हैं, एक मिनट यार, ये खुले तो सही। अखाई तो स्लीपिंग बेड अगर मैं लगा दूंगा तो फिर मेरे को उन जगह पे जाना काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है? क्योंकि पैरट हमें क्या बोलते हैं एक ही बार में मिल जाए ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के बहुत सारे यार प्लेयर्स रहते हैं जो पैरट को टेम करते रहते हैं हमेशा, ठीक है? तो एक ही बार में हमें पैरट तो मिलने वाला नहीं है, तो इसीलिए मेरे को पैरेट के लिए अलग अलग जगहों पे ढेर सारे बेड लगाने पड़ेंगे, बेड लगाने की जितनी लिमिट रहती है, ठीक है? तो बेड लगाने के लिए मेरे को पहले तो एक लोकेशन मेरे को पता है, उस लोकेशन पे मैं जाता हूँ और वहाँ पे मैं बेड लगाता हूँ। तो ओके, ये एक ये अनस्टेबल, इधर मैं एक चीज़ की फार्मिंग कर रहा हूँ, मेरे को उसी लोकेशन पर जाना है, वहीं पर आगे के साइड में क्या बोलते हैं पैरेट स्पॉन होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ के लिए क्या बोलते हैं बेड मैंने लगाया है, वो चीज़ इधर है। ओके है, तो यहाँ पे ये बैम्बू शूट्स मिलते हैं, ठीक है? तो ये बैम्बू शूट हमारे काफ़ी काम आने वाले हैं, बिकॉज़ आगे चल के मैं एक चीज़ और टेम करने वाला हूँ, तो उस चीज़ को टेम करने के लिए हमें ये बैम्बू शूट्स चाहिए रहेंगे। और बैम्बू शूट भाई साहब काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहते हैं कलेक्ट करना, क्योंकि ये सिर्फ 5 स्पॉन होते हैं भाई साहब पूरी पूरी जगह पे। एक मिनट, मैंने वो कलेक्ट किया, ओके कलेक्ट कर लिया, और एक और रह गया है भाई साहब, इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। एक तो बड़ी मुश्किल से तो मिलते हैं यार। ओके अब जाके आया भाई साहब, क्या यार गेम लैग क्यों हो रहा है इतना। ओके तो फिर क्या बोलते हैं, मैं इधर आ जाता हूँ आगे, और भाई साहब ये ग्लिच अभी तक ऐसा का ऐसा ही है यार, पता नहीं क्या सीन है अगली गेम का। घोड़ा यार, घोड़े के ऊपर मैं खड़ा हो के चलता हूँ, अजीब सीन है यार। कोई नहीं, तो फिलहाल ऐसे छोटे मोटे ग्लिचेस तो होते रहते हैं, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। ओके तो इस जगह पे क्या बोलते हैं पैरेट स्पॉन होते हैं, ठीक है? इधर ही कहीं पे स्पॉन होता है पैरेट, ठीक है? तो फिलहाल तो पैरेट अभी मेरे को तुरंत तो मिलने वाला नहीं है, बिकॉज़ इधर बहुत सारे प्लेयर्स वगैरह यार टेमिंग करते रहते हैं पैरेट की। तो फिलहाल हमें अभी का अभी तो पैरेट मिलने से रहा, ठीक है? तो मैं इधर एक बेड लगा देता हूँ जिससे कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्पॉन हो सकता हूँ, ठीक है? एरी तो भाग गधेड़े इधर से निकल रहे। वैसे मैं देख लूँ इधर इस पत्थर के आसपास कहीं ना कहीं पैरेट स्पॉन होता है, ठीक है? तो फिलहाल तो है नहीं इधर कहीं पैरेट, ठीक है? अच्छा इधर अभी तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है? इधर ही कहीं आसपास में पैरेट स्पॉन होता है, तो कोई नहीं, चलो। तो ये थी पहली लोकेशन, और इसके अलावा और भी बहुत सारी मैप में, पूरे के पूरे मैप में गाइस बहुत सारी लोकेशन है जहाँ पे पैरेट स्पॉन होते हैं, तो उन लोकेशन पे भी मेरे को जाके क्या बोलते हैं वो करना पड़ेगा, बेड वगैरह लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो फिलहाल मैं इस ट्रेजर को ज़रा लूट लेता हूँ। अरे यार ये मेरे को फिनिश करके छोड़ेगा गधेड़ा। चलो गया। ओके तो मैं ज़रा इस ट्रेजर चेस्ट को लूट लेता हूँ भाई साहब, हमें कोई काम की चीज़ मिल जाए तो मज़ा आ जाए।
अखाई तो ओके भाई साहब, काफ़ी सारी चीज़ें मिली मेरे को। और मेरे को एक ये डिस्प्ले, क्या बोलते हैं, डिस्प्ले स्टैंड प्लान भी मिला है भाई साहब। जो मैंने जिस पे वो अपना घोड़ा लगाया है वही चीज़ है ये, ठीक है। डिस्प्ले स्टैंड, तो डिस्प्ले स्टैंड का एक और प्लान मेरे को मिला है, तो फाइनली अभी मैं एक और डिस्प्ले स्टैंड बना सकता हूँ भाई साहब, क्या बात है, मज़ा आएगा। तो फिलहाल मैंने इस लोकेशन पर लगा दिया है। अभी मेरे को और भी अलग अलग जहाँ पर बेड अपने लगाने हैं, ठीक है। तो अब मैं बेड वगैरह लगाने के बाद में मिलता हूँ, ठीक है। 2 days later. ओके गाइस, तो अभी वापस मैं आ चुका हूँ, और भाई साहब 2 दिन के बाद में ये वाली वीडियो में वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और भाई साहब मेरे को कहीं पे भी पैरेट नहीं मिला यार। मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं कम से कम 7 से 8 जगह पे अपने क्या बोलते हैं ये स्लीपिंग बैग प्लेस की है, लेकिन मेरे को यार कहीं पे भी क्या बोलते हैं पैरेट नहीं मिले। जो जो पैरेट की लोकेशन थी वहाँ वहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है कि बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं और क्या बोलते हैं सब टेम करने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा कब नहीं, क्योंकि यार उसमें एक तो ऐसे ही कितना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को, लेकिन मेरे को यार कोई कहीं पे भी पैरेट वगैरह मिला नहीं जो कि मैं टेम कर पाऊँ, ठीक है। तो फिलहाल तो पैरेट को टेम करने का आइडिया कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पैरेट को क्या बोलते हैं हम टेम नहीं कर सकते फिलहाल तो, क्योंकि पैरेट कहीं पे है ही नहीं, ठीक है, मिलता ही नहीं है जल्दी से। लेकिन हम पैरेट को बाई कर सकते हैं ट्रेडिंग हॉल से, ठीक है। तो ट्रेडिंग हॉल में क्या बोलते हैं मैंने अपने वो पैरेट के जो फीड वगैरह बनाए थे वो सारे के सारे बेच दिए हैं, ठीक है। और अभी क्या बोलते हैं हम जाने वाले हैं ट्रेडिंग हॉल में अपने क्या बोलते हैं एक पैरेट को ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो वैसे मैंने गोल्ड काफ़ी सारे कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, गोल्ड कॉइन जो रहते हैं। तो फिलहाल मैं क्या बोलते हैं मेरे पास में इतने गोल्ड कॉइन आ चुके हैं कि मैं एक पैरेट खरीद पाऊँ, ठीक है। तो चलते हैं ट्रेडिंग हॉल में। और भाई साहब मैं अपने ही इससे डर गया यार। अच्छा ही, तो फिलहाल मैं एक बार मर जाता हूँ उसके बाद में चलते हैं, ठीक है। वैसे एलिमिनेशन प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसमें देखते हैं भाई, इसमें गोल्ड 5 गोल्ड और 420 इफ यू अर्नड 5 गोल्ड एंड, अच्छा ये क्राव फिश बेट, ओके। मैंने जो एक्स्ट्रा वाले लगा के रखे थे, कोई नहीं, चलो। तो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें बिकती जा रही है वैसे, ठीक है। तो अभी मेरे पास में काफ़ी सारे वैसे गोल्ड हो चुके हैं जो कि जिससे कि अभी हम काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ एक पैरेट जाके खरीदते हैं भाई साहब, ठीक है, क्योंकि पैरेट भाई साहब मेरे को माउंट चाहिए, ठीक है, जो कि अभी हमें ज़रूरत है फ्लाइंग माउंट की एक। तो फ्लाइंग माउंट ज़रूरी नहीं कि हम क्या बोलते हैं टेम करें, इधर भाई साहब पूरी सेना लगी रहती है, सारे के सारे प्लेयर इस टाइम पे जब मैं खेलता हूँ क्या बोलते हैं 8:30 बजे के टाइम, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर रहते हैं, धूम मचाते रहते हैं हमेशा। अच्छा ही, तो चलते हैं ट्रेडिंग हॉल में और भाई साहब खरीदते हैं एक पैरेट। मेरे पास में गोल्ड 67 हो चुके हैं भाई साहब, क्या बात है। तो मैं जाता हूँ माउंट में एंड मोटेल्ड पैरेट। ओके, तो यहाँ पे एक 41 गोल्ड का है, इसको मैं देख लेता हूँ, इसकी स्पीड है 6,893, ओके, और फ्लाइंग फ्लाइट स्पीड है 8,000, ओके, जो 41 गोल्ड का है और 45 का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, क्यों 6,9, एक मिनट भाई मैं नंबर भूल जाता हूँ यार, 6,8 है, ओके, ये 6,9 है और 8,93, ओके, और ये 6,6 नहीं भाई 7,6 है, ओके। मैं सब उल्टे सीधे भाई साहब, ये तो मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा हार्ड लग रहा है मेरे को। ओके, तो इसकी स्पीड है 6,9, ओके, और 89, ओके, अरे यार जो भी हो छोड़ो, और इसकी स्पीड मेरे को ज़्यादा लग रही क्योंकि ये 7,6 है भाई साहब, 7,600 की, 7,650 इसकी स्पीड है, फ्लाइट स्पीड 8,000 है, ओके, और ये वाले की स्पीड मतलब भाई साहब ये वाला पैरेट ज़्यादा अच्छा है फिलहाल, तो फ्लाइट स्पीड तो क्या है यार, और फ्लाइट स्पीड को साइड में रखते हैं, और इसकी 7,1 है और फ्लाइट स्पीड भाई साहब 8,2,
ओके, तो भाई साहब कंफ्यूजिंग तो है फिलहाल, तो ये 45 गोल्ड वाला रखूँ या 48 वाला। अब 50 गोल्ड में भाई क्या है, 750 और 9, ये वाला 50 गोल्ड में 7-2-9, भाई मेरे को तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसकी फ्लाइंग फिर स्पीड यार कम है इसकी ना, 7179 है, और भाई साहब बादल गरज रहे हैं, बरसात होने वाली लगता है। ओके, तो इसकी स्पीड है 7006। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये 45 गोल्ड का ये वाला पैरेट बाई कर लेता हूँ, ठीक है ना। 8000 की फ्लाइट स्पीड है जो कि चलेगी, और क्या है। ओके, तो लेट्स, एक मिनट मेरे पास में, फिर बचेंगे कितने गोल्ड 45 से। भाई मैथमेटिक्स यार कभी ध्यान दिया होता तो अच्छा रहता। 21 बचे हैं। ओके, तो 21 गोल्ड अभी मेरे पास में बचे हैं। तो इसके साथ साथ भाई साहब मैं एक, ये क्या बोलते हैं, यहाँ से एक भाई साहब ये शार्क खरीद लेता हूँ। ओके, तो शार्क में क्या बोलते हैं, 7-6 है। ओके, और ये वाली 7-7 है। ओके, और ये वाली 7-5 है। ओके, और स्प्रिंट स्पीड है 15,000। मैं किया करूँ किया नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं ये वाली खरीद लेता हूँ यार, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है मेरे को। ओके, तो साथ साथ में एक वाटर माउंट भी हमने खरीद लिया है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में फाइनली गाइस आ चुका है एक पैरट और एक शार्क, ठीक है। तो पैरट हमें चाहिए आसमान में उड़ने के लिए, तो इसको कर लेता हूँ क्लैम, और ये शार्क को भी कर लेते हैं क्लैम। अच्छा, तो अभी आ चुका है हमारे पास में एक पैरट, और भाई साहब पैरट का भी मैं यूज़ करूँगा भाई। अरे भाई इतनी ऊंचाई से भी गिर गया, क्या यार गधेड़ा है गधेड़ा। अच्छा, तो हमारा पैरट है ये वाला। ओके, मोटेल्ड पैरट आ चुका है हमारे पास में भाई साहब, अभी मैं इसमें उड़ूंगा, मेरे को मज़ा आने वाला है। अरे खुल जा भाई। तो माउंट्स में, ओके, तो हमारे पास में आ चुका है एक पैरट, एंड भाई साहब सिलेक्ट करते हैं इसको, और भाई साहब पैरट पे यार मैं खड़ा रहता हूँ क्या यार। ओके, तो चलो जरा आसमान की सैर करी जाए। ओके, भाई साहब मज़ा आता है, ज़मीन में दौड़ो उससे अच्छा आसमान में उड़ने में ज़्यादा मज़ा है। और भाई साहब क्या खतरनाक बेस है यार ये तो, हम भी फ्यूचर में कभी, ओ भाई साहब अभी तो लोड हो रही है चीज़ें, हम भी फ्यूचर में कभी इस तरीके का घर वर बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमारे पास में इतनी सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन आगे चल के हम बनाएंगे तो सही। ओके, तो अभी क्या बोलते हैं, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ हमारी शार्क को भी, ठीक है। इधर से उतरो। ओके, तो हम फ्लाइंग माउंट से जंप करते हैं तो हमें कुछ भी डैमेज वगैरह नहीं होता है। ओके, ओके, यंग मर्केड शार्क आई है हमारे पास में, लेकिन ये खुली नहीं यार, क्योंकि मेरे माउंट यार फुल हो चुके हैं ना। मैं कैटल को फ्री कर देता हूँ, ठीक है, वैसे भी कैटल की स्पीड इतनी कुछ खास है नहीं। ओके, तो अभी आ चुकी है यंग मार्केड शार्क, शार्क ही है ना यार, क्या है। ओके, शार्क है, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, करंट वाटर माउंट। ओके, तो अभी आ चुके हैं वाटर में, और हो जाते हैं माउंट। ओके भाई साहब क्या बात है, तो अभी हम पानी में भी चल सकते हैं, आसमान में भी उड़ सकते हैं। तो ये है इसकी स्प्रिंट, स्प्रिंट थोड़े ही देर तक ये करती है। ओके, तो फाइनली गाइस हमारे पास में आ चुका है क्या बोलते हैं पैरट, और ये क्या नाम है, शार्क। ओके, तो अभी हम काफ़ी मज़ा करने वाले हैं भाई साहब आसमान में उड़ के, ठीक है। ओके, तो अभी मेरे को जाना है अपने बेस पे, ठीक है। ठीक है, ये मैं किसके घर पे घुस गया। ओके, ज़मीन पे ही हूँ, ठीक है। वाह अच्छा लग रहा है भाई इस तरीके का डिज़ाइन, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो अभी चलता हूँ मैं अपने घर पे, और एक चीज़ मेरे को और बनानी है, तो वो चीज़ भी हम बना लेते हैं वीडियो में ही, ठीक है ना।
क्योंकि भाई साहब 2 दिन से मैं काफ़ी कुछ कर डाला है मैंने अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने कोई क्या बोलते हैं मेन मेन चीज़ें सब छोड़ दी है। सही के सही ठीक है। तो इधर मैंने गोल्ड की चेस्ट इतनी चार चार लगाई है भाई साहब, इतनी सारी क्या है। और आयरन के भी, ये गोल्ड के लॉकर हैं भाई साहब। ओके, तो मेरे को एक काम करना है, और वो काम क्या है, फिलहाल मेरे पास में गोल्ड है, ओके, ऑर्ब भी हैं, और ये टर्टल शेल है, ओके। तो ये टर्टल शेल हमें उसमें से मिलते हैं या ट्रेजर बॉक्स में से, ठीक है। और हम अगर टर्टल को मारते हैं तो उसमें से भी हमें मिलते हैं, ठीक है। तो भाई क्या बिका फॉर एज, अरे क्या है यार, ओके चलो छोड़ो उसको। तो अभी मेरे को क्या बनाना है, मेरा पूरा का पूरा गोल्ड का बॉडी आर्मर, ठीक है। बिकॉज हमारा 35 लेवल हो चुका है, तो अभी मैं गोल्ड का बॉडी आर्मर भाई साहब बना सकता हूँ। तो अभी मैं बना लेता हूँ गोल्ड का बॉडी आर्मर, और इसमें हमें यूज़ करना है टर्टल शेल, ठीक है। तो लेट्स मेक ए गोल्डन हेलमेट, ओके, और एक चेस्ट आर्मर, इसको आर्मर बोलते हैं, ओके। चेस्ट प्लेट मेरे दिमाग में बे बे घूम जाता है हमारा माइनक्राफ्ट का, ठीक है कोई नहीं। चलो तो अभी बना लेते हैं पैंट, और हमारा पूरा का पूरा गोल्ड का बॉडी आर्मर आ जाएगा हमारे पास में भाई साहब। अखाई तो आ चुका है हमारे पास में भाई साहब गोल्ड का बॉडी आर्मर। अरे अरे भाई ये क्या है यार, मैंने पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा है, क्या है यार, मेरे को हटाना पड़ेगा इधर से चीज़ें, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमारी तीनों तीन चीज़ें सुपीरियर आई है, ओके। इसमें मैक्स HP 62 है, और इसमें 140 है भाई साहब, क्या बात है। स्टेमिना भी इसमें बढ़ रहा है, ठीक है, और मैक्स वाटर और डिफेंस 47, ओके। तो इसको इक्विप करो, और इसको भी इक्विप करो, और इसको भी इक्विप करो, ओके। और शो आर्मर, शो हैट, ओके। भाई साहब क्या खतरनाक लग रहा हूँ पूरा गोल्डन गोल्डन चमक रहा हूँ, वो टाइम भी ऐसा है ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से यहाँ पे क्या बोलते हैं हम ये गोल्डन हॉर्स, ये क्या बोलते हैं हॉर्स की जगह पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम हमारा दूसरा माउंट लगाने वाले हैं, ठीक है, जो कि खतरनाक दिखे। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और ख़ुद को भी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से माउंट मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ शार्क। ओ भाई साहब क्या खतरनाक लग रही है शार्क, शार्क तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। पैरेट के पैरेट मैं भाई साहब शार्क रखने वाला हूँ इसकी पोजीशन ज़रा सी मेरे को चेंज करनी है, ओके। और दोनों साइड से भाई साहब बाहर निकल रही है ये, और इसको मैं ज़रा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, तो ये ज़मीन में ना घुसी रहे, ओके। ज़रा सा नीचे, ओके भाई साहब, तो अभी खतरनाक सीन भाई साहब, खतरनाक सीन। हमने हमने यहाँ पे पैरट, एक पैरट नहीं भाई साहब, शार्क को लगा दिया है। तो शार्क मेन तो हम, मेरे को ये डिस्प्ले केस के लिए ही चाहिए था यार, ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं पानी में तो हम तैरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हमारे पास में पैरट आ गया, तो फिर तो हम सीधा आसमान में उड़ के भी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, यहाँ पे शार्क मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले केस में रखना था, ठीक है, ये इतना खतरनाक लग रहा है इसके लिए, ठीक है, ओके। तो फाइनली हमारा हो चुका है काफ़ी मस्त काम काज, ठीक है। हमारे पास में आ चुका है पैरट, और आ चुकी है शार्क, ठीक है। तो भी गाइस हो चुका है हमारा आज का वीडियो कंप्लीट, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई लोग। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।